तो नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल राम की बगिया। दोस्तों, जिस पौधे को आप देख रहे हैं, चढ़ी हुई बेल है। इस पौधे का नाम है मधुमालती और ये गमले में लगी हुई है और ये क्रीपर है तो ऊपर से चली गई है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है। ये देखिए, ये है मधुमालती, नाम बहुत ही प्यारा है मधुमालती, जिसमें कि मधु सुगंध से भरपूर फूल वाला ये पौधा। ये है एक डॉर वैरायटी जो आपको उधर दिखाई थी, उसका नाम था मधुमालती और लेकिन वो क्रीपर है। वो लंबी होकर अगर ज़मीन में लगी हो तो बहुत बढ़िया तरह चलती है और वो हमने गमले में लगाई है। और ये देखिए, ये है डॉर वैरायटी मधुमालती की। 180 प्रजातियां पाई जाती हैं, इसमें से केवल 20 प्रजाति भारतवर्ष में मिलती हैं। तो जो आपने देखा होगा एक बेल टाइप की, और ये वाली जिसमें कि डॉर वैरायटी है, ये 1-2 फिट से लेकर 2 मीटर तक चला जाता है पौधा। इस पौधे को मधुमालती, झुमका बेल और कॉम्ब्रेटन इंडिका, रंगून कीपर, तरह तरह के नामों से जाना जाता है। जैसा नाम वैसा काम, सुंदर फूल। इस पौधे की प्रकृति यह है कि इसके फूल सामान्यतः शाम को खिलते हैं और जब खिलते हैं उस समय इनका कलर होता है सफ़ेद रंग का, लेकिन जैसे जैसे नेक्स्ट डे होता है इनका कलर जो है हल्का सा पिंक और उसके बाद तीसरे दिन लाल हो जाता है। ये एक ऐसी प्रकृति की देन है कि इसके फूल परागण आकर्षण कीट पतंगों को लुभाने के लिए अपने रंग में परिवर्तन करते हैं और ये रंग का परिवर्तन चलता रहता है 3 दिनों तक, जिससे तरह तरह की मधुमक्खियां, कीट पतंगे सभी लोग आकर्षित होते हैं। इसको झुमका बेल भी कहते हैं। इसकी दूसरी वैरायटी एक आती है जो डबल पेटल की होती है और वो डबल पेटल का पौधा भी बहुत बढ़िया होता है। इसके थोड़े से ये लंबे होते हैं, उसके थोड़े छोटे होते हैं। इस तरह से भारतवर्ष में पाई जाने वाली एक और अद्भुत वैरायटी है ये मधुमालती। देखिए, इसके फूल डिफरेंट टाइप के हैं, वेलवेट टाइप के, और पत्तियां हल्की ग्रीन हैं और खूबसूरत का कोई जवाब नहीं। आज हम अपने गार्डन में ऐड करने जा रहे हैं एक बहुत ही अद्भुत पौधा जो इसी प्रजाति का है, लेकिन ये डबल पेटल है और इसके फूल डबल पेटल में आएंगे। और देखिए, अभी से इसमें मधुमक्खी चक्कर लगा रही है, आपको दिख रहा होगा मधुमक्खी, क्योंकि इसमें जिसका नाम है मधुमालती तो इसमें इस तरह की सुगंध होती है कि कीट पतंगे अनायास इसकी तरफ खींचे चले आते हैं। अभी पौधा लगाया नहीं, आज इसको हम रिपोर्ट करेंगे। इसको हमने ऐड किया है, ये हमारे पास चौथा प्लांट है मधुमालती का, तो आज हम इसको रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं इसमें। दोस्तों, ये एक ऐसा पौधा है जो गर्मियों में ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। इसका फ्लावरिंग शुरू होता है मार्च से, मार्च अप्रैल मई जून में थोड़ा, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब थोड़ी सी इसको तकलीफ़ होती रहती है, तो उस समय इसको थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। खासकर जो पौधे आपने पॉट में लगाए हुए हैं, पॉट में लगाए हुए पौधे को थोड़ा सा अगर हल्की छंती हुई धूप में रखेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। जो ये प्रजाति हमको प्रकृति ने दी है, ये सेकेंडरी वैरायटी है मधुमालती की। जिसकी जंगली वैरायटी होती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है और बहुत ऊंचाई तक जाती है, करीब करीब 80-90 फीट तक। इस तरह से ये जो हमारी तरह तरह के मधुमालती के वेरिएशन हैं उसमें हमारी ये डॉर वैरायटी है। और जब हम पॉट में लगाते हैं तो इसको पानी का संतुलन हमें बनाना पड़ता है। इसको सामान्यतः हम पानी तभी देंगे जब इसमें ऊपर की लेयर सूखी हुई दिखाई दे, तब आप पानी दें। ज़मीन में लगाए हुए पौधों को पानी देने की आवश्यकता एक बार बढ़ने के बाद जब मैच्योर हो जाएगा तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब आप आसानी से इस पौधे को बिना पानी के भी चला सकते हैं। इस पौधे की इतनी खूबियां हैं जिसका वर्णन करना बहुत ही
छोटे से वीडियो में मुश्किल होगा, लेकिन चलती पहले रिपोर्ट करते हैं, फिर आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे मधुमालती के इस वैरायटी। दोस्तों हमने इसके लिए ये 10 इंच का गमला लिया है और इसमें हम इसमें थोड़ा सा ये डाल देंगे। और ये गार्डन सॉइल हमारे पास है, इसी में हम थोड़ी सी पत्तियों की सड़ी खाद डाल देंगे। ज़्यादा इसमें कुछ डालने वाले नहीं हैं क्योंकि जो हमारे पास गार्डन सॉइल है वो ऑलरेडी से ही कुछ ज़्यादा तैयारी है, वो हमने पूरा रिचार्ज कर लिया है और इसको हम आज रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा ज़रूर डालेंगे चीज़ें, जैसे इसमें नीम की खली, इसमें नीम की खली एक NPK का काम करती है और ये मधुमालती को नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश की ज़रूरत रहती है। इसको सामान्यतः फूल लाने के लिए पोटाश और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देंगे तो इसमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग आएगी। इसमें हम थोड़ा पोटाश भी डालेंगे। जो चीज़ें हम इसके वेसल डोज में डाल देंगे वही काम आने वाली हैं, जो हम भूमि में नहीं डालेंगे वो सब काम आने वाली नहीं है। इसलिए आप जब भी अपने पौधे को लगाएं, ये मैच्योर पौधा है, ये बोन मील है, ये सब बहुत स्लो रिलीजिंग है और बहुत धीरे धीरे इनका प्रभाव होता है। ये कोई केमिकल खाद नहीं है जो बहुत, ये है हमारा सीविड, ये भी हम सीविड ये है हमारे ग्रेनुल्स हैं, इनको थोड़ा डाल दिया है। और साथ में हम डालेंगे इसमें ये फंगीसाइड है, फंगीसाइड का प्रयोग ज़रूर आप करें, करीब करीब आधा चम्मच से कम थोड़ा सा ये हम इतना डाल देंगे। और इसी मात्रा को हम इसमें देखिए दोस्तों, अगर आपको पौधों से फूल लेने हैं तो आपको खुराक तो देनी पड़ेगी, अगर आप खुराक नहीं देंगे तो आपको फ्लावरिंग उतनी अच्छी नहीं होगी। जब भी आप हम इस को यहाँ पर रख लेंगे और इसको हम नाप लेंगे कि हमारा मेजरमेंट सही हो जाना चाहिए, और जब हमने इसको कर लिया अब हम इसको निकाल देंगे और इसको हम यहाँ रख देंगे। ऐसा रखेंगे कि ये आसानी से ये पहुँच जाए और इसके बाद हम इसमें इसको भर देंगे। दोस्तों ये बहुत सारे नामों से जाना जाता है, इसको रंगून कीपर भी बोलते हैं, मधुमालती भी बोलते हैं, झुमका बेल भी बोलते हैं और कहीं कहीं रेड जास्मिन भी बोलते हैं। इन डिफरेंट नामों से जानने के कारण ये बहुत प्रचलित पौधा है और सामान्यतः हर घरों में ये पाया जाता है। अब जब से थोड़ा अर्बनाइजेशन हुआ है तब से इसकी बहुत सारी वैरायटियां अवेलेबल हो गई हैं। भारतवर्ष में इस मधुमालती की 20 वैरायटी मिलती है, टोटल वैरायटी 180 है इसकी करीब करीब, उनमें से 20 वैरायटी भारत में है और कम से कम 100 वैरायटी चाइना में पाई जाती है। अब इस पौधे के बारे में अगर और चर्चा करना चाहें, ये पौधे का स्टेम देखिए लकड़ी की तरह हो जाता है और इस लकड़ी के इस्तेमाल बहुत सारे मछली पकड़ने वाले हमारे जो मछुआरे हैं वो करते हैं, मछली पकड़ने के समय डलियां वलियां बनाने के लिए इस तरह की चीज़ें बनाते हैं। अगर इस पौधे को और गहन अध्ययन करें तो पाएंगे कि इसके तने और जड़ों से गठिया नामक रोग भी दूर किया जाता है, परंतु हम इसमें किसी खाने की या उसकी वकालत नहीं करते हैं,
हमारा अनुरोध है कि जब भी आप किसी भी पौधे को खाएं, उसके बारे में उसकी पूरी जानकारी चिकित्सक से लें, यानी जो इसका ज्ञाता हो, डॉक्टर हो, उससे संपर्क करें, तभी किसी भी पौधे को खाएं। क्योंकि जैसे आपको जानकारी के लिए हम बता दें, जैसे सहजन की बहुत सारी ऐसी वैरायटियां हैं जो एडिबल नहीं हैं, तो केवल एडिबल वैरायटी ही खाएं। तो जब भी आपको किसी भी पौधे के बारे में खाना हो या उसको पत्तियों को सेवन करना हो, तो आप डॉक्टरी सलाह लें, या बेहतर वही होगा कि आप इस नए ज़माने में प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन का प्रयोग करें, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे वो एलोपैथिक हो। इस पौधे के बारे में अगर और हम चर्चा करना चाहें तो पाएंगे कि ये पौधा अद्भुत है। अद्भुत ये है कि इसमें फ्लावरिंग बहुत होती है। तो समस्या ये है कि फ्लावरिंग के लिए रखना कहाँ चाहिए। इसको धूप बहुत पसंद है, तो इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूप आती हो, और तब आप पाएंगे कि इसमें बढ़िया फ्लावरिंग होगी। इसको फास्फोरस और पोटाश रिच फर्टिलाइजर चाहिए। पत्तियाँ हरी होती हैं तो NPK भी चाहिए, यानी इसको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों भरपूर मात्रा में चाहिए, तभी आप में अच्छी फ्लावरिंग आएगी। अगर आप इसको नहीं देंगे, वो चाहे आप ऑर्गेनिक दें या इनऑर्गेनिक दें, अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर चाहते हैं तो आप थोड़ी मात्रा में NPK 19-19-19, 52-34 या 0050 का उपयोग कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिए कि अगर आप जैसे ज़्यादा केमिकल दवाएं खाएंगे तो आपको तरह तरह की और बीमारियां आने लगती हैं। उसी प्रकार से केमिकल खादों का प्रयोग संतुलित मात्रा में करें, कम करें, ये कतई नहीं कह सकते कि ना करें। आप प्रिस्क्राइब्ड चीज़ें ही उपयोग करें। केमिकल खाद अगर आपको एक प्रिस्क्राइब्ड है कि 1 ml या 2 ml पर लीटर, तो उतना ही आप दें, उसके ज़्यादा मात्रा ना दें। ऐसे छोटे गमले के लिए अगर आपको 19-19 डालना है, तो आधा चम्मच आप 1 लीटर पानी में ढोल के डाल दीजिएगा, और आप पाएंगे कि आपके बढ़िया फ्लावर आते हैं। और आपको लगे कि खाली फास्फोरस की ज़रूरत है या खाली पोटास की ज़रूरत है, तो आप 0-52-34 और 0050 में से कोई ऑप्शन ले सकते हैं, और मात्रा का ध्यान रखें। और अगर ऑर्गेनिक देंगे तो और अच्छा है। ऑर्गेनिक स्लो रिलीज है, नीम की खली, बोन मील और ऑर्गेनिक पोटास या ऑर्गेनिक DAP, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। परंतु ऑर्गेनिक DAP, ऑर्गेनिक NPK और ऑर्गेनिक पोटास, इनकी गुणवत्ता के बारे में अभी प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बहुत सारी जगह पर इनके दाम केवल ऑर्गेनिक के नाम पर बहुत ज़्यादा बताए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप गोबर की सड़ी खाद, नीम की खली, बोन मील, इन्हीं का प्रयोग करें, इनसे बहुत सारी चीज़ें आपकी पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, राम की बगिया चैनल में इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। केमिकल खादों का प्रयोग कम करें। इस पौधे को पानी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। देखिए, जो पौधा ज़्यादा फूल देगा उसको पत्तियाँ ज़्यादा देगा, उसको पानी की आवश्यकता होगी। तो पानी इसको देते रहें। जब ये पौधा ज़मीन पर होगा तो आपको पानी की चिंता नहीं करनी है, परंतु जब आप इसको पॉट में लगाएंगे तो जिम्मेदारी आपकी है, जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम तब देखेंगे कि इसका जब थोड़ा सा हल्का ऊपर लेयर जब सूख जाए तब हम इसमें पानी डाल दें। अगर नहीं डालेंगे तो इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग पर फर्क पड़ेगा। ये अद्भुत पौधा है। रात में शाम को कलर सफ़ेद, उसके बाद धीरे धीरे पिंक, फिर लाल। 3 दिन की इस प्रक्रिया में ये अपना चरण पूरा करता है। वो उसका कारण है, ये प्रकृति की देन है। ये तरह तरह के कीटों को लुभाने के लिए अपने रंग को बदलता है, और हम लोगों को बहुत सुख की अनुभूति देता है। इसके झुमके द्वारा, झुमके की तरह लटके हुए फ्लावर्स अनायास ही हमको और कीट पतंगों सभी को खींचते रहते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार से अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और मस्त रहें, हंसते रहें। धन्यवाद।